इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। माँ एक ऐसा शब्द जिसका सुनाम सुनते ही ममता एक पर्यायवाची के रूप में सामने आ जाती है। माँ के बारे में जिक्र होते ही आपको प्यार और ममता दिखाई पड़ती है और ये माना जाता है बाई डिफॉल्ट कि पूत कपूत होता है माँ को माता नहीं हो सकती। लेकिन मिस्र से एक ऐसी घटना सामने आई जिससे सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि हम कुमाता नहीं कहने जा रहे इस महिला को, लेकिन घटना में आपके सामने रख देता हूं। मिस्र में यह घटना सामने आई जहां पर एक मां ने न केवल अपने बेटे का मर्डर किया बल्कि उसके सिर को पानी में रखकर उबाला और बाद में चाव से खा भी गई। उसके शरीर के बच्चे के कई टुकड़े घर में मिले। घर वालों ने ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। इस मां का, इस लेडी का नाम हना मोहम्मद हसन बताया जा रहा है और इस लेडी के ऊपर मुकदमा भी चला। इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी अपने पति के साथ इसका अलगाव हो गया था। एक बच्चा था जिसको लेकर पति के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था और उसकी बच्चे की जो सुपुर्दगी है किसके पास रहेगा उसे लेकर बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। लेकिन इस महिला का ये कहना था कि मैं इस बच्चे को हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ और उसके बाद इस महिला ने एक चाकू से अपने बेटे का सर ही काट कर अलग कर दिया, उसके सर शरीर के टुकड़े अलग और बाद में उबाला और उन्हें खा भी गई। बाद में इसी कुछ दिन पहले 30 सितंबर को मिस्र की अदालत ने फैसला सुनाया, लेकिन फैसले में मिस्र की अदालत ने इस महिला को जिम्मेदार ठहराने के बजाय इसको एक मानसिक रुग्णालय में भेज दिया और ये कहा कि ये महिला पागल हो चुकी है लिहाजा इसे अब पागलपन के इलाज की ज़रूरत है। अदालत ने क्या फैसला दिया क्या नहीं दिया वो तो वहाँ के लोगों को स्वीकार है, लेकिन इस महिला ने ऐसा क्यों किया, वो वजह क्या केवल पति से अलगाव था या बच्चे के खोने का गम था कि बच्चा कहीं पति के पास ना चला जाए, अब ये महिला भी बताने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अदालत का कहना है कि ये पागल हो चुकी है और इस महिला को अपने पागलपन का इलाज कराने के लिए अब उसने अस्पताल में भेज दिया है। लेकिन वाकई दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जो कि मिस्र से है। क्या ऐसी कोई घटना आपके भी जहन में है जहाँ पर आप रिश्तों को तार तार होते हुए यकीन से परे जाते हुए देखते हूँ? ऐसे कई किस्से सामने आए हैं जब बेटे ने अपने माँ बाप के साथ ऐसी हरकत की हो लेकिन माँ ने या पिता ने माँ ने कभी ऐसी हरकत की हो। ऐसे हादसे बहुत, ऐसी घटनाएं बहुत कम मिलती हैं जिनमें से एक ये घटना भी आपके सामने है। क्या कहना है आपका इस घटना के ऊपर? आपको क्या लगता है अदालत ने सही फैसला सुनाया है? क्या अदालत का फैसला आपको सही लगता है? आप मानते हैं कि मिस्र की अदालत ने ठीक किया है इसे मानसिक रुग्णालय में भेजकर पागलपन का इलाज कराने के लिए? ज़रूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।